नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, जो पहला ओडीआई का मुकाबला खेला जाएगा उसमें हमारी फैंटेसी की टीम क्या होंगी। अगर हम वेन्यू को लेकर बात कर लेंगे, मुकाबला खेला जाएगा जहूर अहमद स्टेडियम चट्टोग्राम में, और चट्टोग्राम की विकेट कैसे खेलेंगी हमने बीपीएल में ये चीज देखा है। हमने बीपीएल में टोटल 26 मुकाबला कवर किया था, 23 मुकाबला क्लीन स्वीप किया था। क्यों? क्योंकि हमने ढाका हो, चट्टोग्राम हो या फिर सिलेट हो, सभी पिचों को बारीकी से परखा था। नॉर्मली ये विकेट कैसी खेली जाएंगी उसको लेके हम आगे बात करेंगे। मैच टाइमिंग को लेके बात कर लेंगे तो मुकाबला खेला जाएगा आज 1:30 में। और दोस्तों, टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद, अगर हमारी टीम में कुछ भी फेरबदल होंगी उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो किस बात की देरी है, अभी के अभी टाइम निकालिए और सबसे पहले YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर हम चट्टोग्राम को लेके बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली आपको हाई स्कोरिंग जो है वो स्कोर बनते नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे इस टूर्नामेंट में उम्मीद है कि ठीक ठाक आपको रन बनते दिख जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एवरेज स्कोर को लेकर तो आपको देखने को मिल जाएगा 180-200 के बीच में। हाईएस्ट टोटल 409 का है, लोएस्ट टोटल 44 का है। अगर वेन्यू ओडीआई स्टेट्स को लेके बात करेंगे, टोटल यहाँ पे मैच खेले गए हैं 28, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 11, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 17 मुकाबला विन की है। ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न को लेके बात करेंगे, बिलियो स्कोर 200 बने हैं 12 टाइम्स, फिर बिटवीन 200-249 बने हैं 6 टाइम, बिटवीन 250-299 बने हैं 6 टाइम, और एबव 300 बने हैं 4 टाइम्स। तो आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे जो अधिक स्कोर बने हैं वो बने बिलो स्कोर 200, कितने दफा? 12 दफा। तो नॉर्मली आप अगर यहाँ से बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करती है तो 230-235 का ही टारगेट उम्मीद करके चलिएगा। अब रिसेंट मैच जो इस वेन्यू के ऊपर खेला गया उसको लेके बात कर लेते हैं। सबसे लास्ट मुकाबला खेला गया था 11 जुलाई 2023 को, जहाँ पे अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगाई थी 126 रन 10 विकेट नुकसान पे। बांग्लादेश 3 विकेट खोके टारगेट को चेस डाउन कर ली थी। फर्स्ट इनिंग पेसर 6 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, सेकेंड इनिंग पेसर 2 विकेट, स्पिनर 1 विकेट। इससे पहले जो एक मुकाबला हुआ था 3 दिन पहले 8 जुलाई को, वहां पे अफगानिस्तान इसी वेन्यू के ऊपर 331 रन लगा दी थी, बांग्लादेश 189 पे ढेर हो गई थी। फर्स्ट इनिंग पेसर 5, स्पिनर 4, सेकेंड इनिंग पेसर 3, स्पिनर 6 विकेट। इससे पहले मुकाबला हुआ था जहां पे 5 जुलाई 2023 को बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन करा के थे, जवाब में अफगानिस्तान 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और डीएलएस मेथड से इनको जो है विन घोषित किया गया था। फर्स्ट इनिंग पेसर 4, स्पिनर 5, सेकेंड इनिंग पेसर 1, स्पिनर 1। सबसे बड़ी बात, लास्ट के 3 ओडीआई में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पेसर्स को मिले हैं 21 विकेट, स्पिनर भी ज्यादा पीछे नहीं है, स्पिनर भी यहाँ पे 21 विकेट लिए हैं। हेड टू हेड को लेके बात करेंगे, दोनों टीम आमने सामने आई है 54 टाइम्स, जहां पे 10 बार जीती है बांग्लादेश, 42 टाइम्स जीती है श्रीलंका। अगर हम बांग्लादेश के लास्ट 5 ओडीआई मैच को लेके बात करेंगे तो बांग्लादेश लास्ट 5 ओडीआई मैच में खेल के आई है विन लॉस लॉस विन, और अगर वही बात करेंगे लंका का विन 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 करके आ रही है। बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सौम्या सरकार के साथ ओपन करते हुए अनामुल हक, फिर नजमुल हुसैन संतो, लिटन दास, मुस्फिकुर रहीम, टी हिदवाय, मेहदी हसन, शरीफुल इस्लाम, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान। गेंदबाजी में बात कर लेंगे, फीज तस्कीन, रिशाद, शरीफुल और आपको यहाँ पे मेहदी हसन, ये पांचों जो है ना 10-10 ओवर का स्पेल डालते दिख जाएंगे। इनमें से अगर किसी का बैड डे हुआ तो 2 से लेकर 4 ओवर के बीच में सौम्या सरकार भी आके डाल सकते हैं। प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लेंगे, सरकार हेड टू हेड में खेले 7 मुकाबले, 27 के एवरेज है, 4 विकेट लिए हुए हैं, रन 168 किए हैं वेन्यू पे 3 मैच में। सबसे बड़ी बात, एवरेज देखिएगा 72 का रन 214, रिसेंटली 11 रन 0 विकेट, 26 रन 1 विकेट, 12 रन 0 विकेट, डू नॉट बैट 22 रन। एनामुल हक हेड टू हेड 11 मैच में 224 रन 23 का एवरेज, वेन्यू पे 3 मैच में 100 रन 34 का एवरेज, रिसेंटली 10-35-0-18-5। संतो को लेकर बात कर लेंगे, हेड टू हेड 2 मैच में 179 रन,
ये ओडीआई में नजमुल हुसैन संतो अलग हो जाते हैं, 89 का एवरेज है, वेन्यू पे 5 मैच में सिर्फ 19 का एवरेज, 97 रन है, रिसेंटली 153 पे नवाद 20-39-12। लीटन दास को लेकर बात करेंगे, हेड टू हेड 5 मैच में 63 रन किए, सिर्फ 12 का एवरेज, वेन्यू पे 12 मैच में 44 का एवरेज है, 432 रन किए, रिसेंटली 7-36-0-16-83। मुशफिकुर रहीम हेड टू हेड 36 मैच में 1072 रन किए हुए, 32 का एवरेज है, वेन्यू पे 25 मैच में 647 रन किए, 43 के एवरेज है, रिसेंटली 13-47 पे नवाद, 6 पे नवाद, 17-5। हृदय को लेके बात करेंगे, हेड टू हेड 3 मैच में 58 का एवरेज, 117 रन, वेन्यू पे 3 मैच में 44 का एवरेज, 89 रन, रिसेंटली 0-32 पे नवाद, 8-15-64। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर लीटन दास मुशफिकुर रहीम दोनों खेलते हैं तो विकेट कीपर मोस्टली आपको करते दिख जाएंगे लीटन दास, लेकिन अगर रहीम करते हैं तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। मेहदी हसन मिराज को लेके बात करेंगे, हेड टू हेड 14 मैच में 160 रन, 17 विकेट, वेन्यू पे 10 मैच में 125 रन, 11 विकेट, रिसेंटली 29 रन, 8 रन, 1 विकेट, डू नॉट बॉल, 0 विकेट, 3 विकेट। रिशाद हुसैन हेड टू हेड नहीं खेले, वेन्यू पे नहीं खेले, ओडीआई की बात कर रहा हूं, टी20 खेले हैं, रिसेंटली 53 रन, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, डू नॉट बॉल, 2 विकेट। तस्कीन अहमद हेड टू हेड 10 मैच में 14 विकेट, वेन्यू पे 8 मैच में 10 विकेट, रिसेंटली 31 रन, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट। सॉरीफुल इस्लाम आपको दिख जाएंगे, अगर आपने बीपीएल कवर किया होगा और खेला होगा पीआर के साथ, आपको इनका इंपोर्टेंस मालूम वहां पे चला होगा। हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 5 मैच में 7 विकेट हेड टू हेड में, वेन्यू पे 4 मैच में 7 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान हेड टू हेड 13 मैच में 21 विकेट, वेन्यू पे 10 मैच में 13 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात करेंगे, आपको दिख जाएंगे तस्कीन अहमद, सॉरीफुल इस्लाम, मेहदी हसन मिराज, डेथ में आपको दिख जाएंगे तस्कीन, मुस्तफिजुर रहमान, सॉरीफुल इस्लाम। बेंच पे बात करेंगे, आपको दिख जाएंगे तजमुल इस्लाम, अगर इनमें से कोई खेलते हैं तो ध्यान रखिएगा, हेड टू हेड में देखिएगा, इनका 2 मैच में 1 विकेट है, वेन्यू पे 2 मैच में 4 विकेट है, रिसेंटली 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। मुझे लगता है ये टीम महमदुल्ला को बैक करके चल सकती है, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, हेड टू हेड 31 मैच में 599 रन, 9 विकेट, वेन्यू पे 18 मैच में 276 रन, 13 विकेट, रिसेंटली 0, डू नॉट बॉल, डू नॉट बैट भी कह सकते हो, 54-7 डू नॉट बैट। अब यहाँ पे देखिए, अगर महमदुल्ला खेलते हैं तो लेफ्टी के सामने ये आके कुछ ओवर भी डाल सकते हैं। तंजीद हसन हेड टू हेड 2 मैच में 9 रन, अगर रिसेंटली बात कर लेंगे 2-116-70-13-41। और तंजीम हसन सकीब, इनका देखिएगा हेड टू हेड 1 मैच में 3 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। और अगर आपने बीपीएल खेला होगा तो इन दोनों को आप भले भांति जान रहे होंगे। अब अगर हम बात करेंगे श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर, आपको अविष्का के साथ दिख जाएंगे निशंका, कुशल मेंडी, समर विक्रमा, अश्लंका, वनेंदु हसरंगा, जनित लियांगे, या फिर आपको यहाँ पे दिख सकते हैं करुण रत्ने में से कोई एक, डी विल्ला लगे, प्रमोद मधुसन, दिलशन मधुसंका और महेश टिक्साना। अब यहाँ पे हो सकता है प्रमोद मधुसन के जगह पे ये टीम बैक कर सकता है किसको, लहरू कुमारा को। गेंदबाजी में बात कर लेंगे, महेश टिक्साना का आपको देखने को मिल जाएगा 10 ओवर, मधुसन का 10 ओवर, मधुसन कुमारा में से जो भी खेलेंगे उनका आपको लगभग अच्छा खासा स्पेल देखने को मिल जाएंगे, दुनित विल्लाले के 10 ओवर और यहाँ से हसरंगा 10 ओवर। अगर पिच में स्पिनर के लिए खूब मदद हुआ तो चरित अश्लंका भी कुछ ओवर स्पिनर के सामने, स्पिनर ने लेफ्टी के सामने आके डाल सकते हैं। प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लेंगे, प्रथम निशंका का हेड टू हेड स्टैट्स को भूल जाओ भाई, अभी के अगर श्रीलंका टीम ने सबसे बेहतर ओडीआई के बल्लेबाज आपको देखने को मिलेंगे तो मुझे लगता है निशंका देखने को मिलेंगे, भले ही हेड टू हेड 6 मैच में 123 का एवरेज है, 123 रन है, 20 का एवरेज है, रिसेंटली 60 पे नवाद, 25-6-118-18। अब इसका फर्नांडो हेड टू हेड 3 मैच 95 रन, 31 का एवरेज, टी20 में पता नहीं इनको बॉल और बैट में जो है अता पता नहीं समझ आ रहा था कुछ भी, रिसेंटली 0-4-43-6-91। कुशल मेंडिस हेड टू हेड 16 मैच में 480 रन, 35 का एवरेज, रिसेंटली 86-36-59-16-23, टी20 में खूब रन बटोर के आ रहे हैं। देन आफ्टर सदीरा समर विक्रमा, जितना तारीफ करें ओडीआई फॉर्मेट में उतना कम, हेड टू हेड 3 मैच में 188 रन, 62 का एवरेज, रिसेंटली 7-7-61-23-51। चरित अश्लंका हेड टू हेड 3 मैच में 180 रन, 90 का औसत है, रिसेंटली 3-28-44-4-3। जनित इनका रिसेंटली देखिएगा 80 रन 1 विकेट, 130 रन 1 विकेट, 15-72 रन 1 विकेट, 2 विकेट। फिर आपको दिखेंगे भाई साहब एक बड़ी खोज, खोज नहीं कहा जा सकता है अब तो इनको परिपक्वता आप कह सकते हैं, श्रीलंका टीम जिसके ऊपर फुल डिपेंडेंट करने वाली है, चाहे वो गेंदबाजी हो बल्लेबाजी में भी रिसेंटली खूब रन बटोर रहे हैं। इनका हेड टू हेड देखिए 5 मैच में 27 का एवरेज, 4 विकेट, रिसेंटली 15 रन, 2 विकेट,
13 रन एक विकेट, 22 रन 2 विकेट, 67 रन 1 विकेट, दुनित विला लगे हेड टू हेड 2 मैच में 2 विकेट, रिसेंटली 3 मैच में 3 विकेट, 52 रन 1 विकेट, 52 रन 2 विकेट, 6 रन 0 विकेट, 20 रन 1 विकेट। महेश ठिकसाना, ध्यान से देखिएगा इनका स्टेट्स। हसरंगा 5 मैच में 4 विकेट, ठिकसाना 3 मैच में 7 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट। दिलशन मधुशंका हेड टू हेड 1 मैच में 3 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। और वर्ल्ड कप में भाई साहब आग लगा दिए थे, आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना विकेट लिए थे वर्ल्ड कप में। प्रमोद मधुसन रिसेंटली 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 4 विकेट और 2 विकेट। स्टार्टिंग ओस्कले की बात करेंगे, श्रीलंका साइड से आपको दिख जाएंगे ठिकसाना, दिलशन मधुशंका, प्रमोद मधुसन। डेथ में दिखेंगे हसरंगा, दिलशन मधुशंका, प्रमोद मधुसन। अगर हम बात करेंगे इनके बेंच पे, अकीला धनंजय आपको दिखेंगे हेड टू हेड 5 मैच में 6 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। लहरू कुमारा हेड टू हेड 4 मैच में 4 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। चमिका करुणरत्न, ध्यान रखिएगा इनके ऊपर स्पेशल प्लेयर हैं, हेड टू हेड 1 मैच में 0 विकेट, रिसेंटली 24 रन 1 विकेट 20 रन 1 विकेट 5 रन 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। कमिंडो मेंडिस T20 में लगातार खेल रहे थे, 12 37 19 65 पे 73 रन 2 विकेट। सहन भी खेल सकते हैं, ध्यान रखिएगा इनके ऊपर, रिसेंटली 37 रन 0 विकेट 58 रन 1 विकेट 73 रन 0 विकेट 0 विकेट और 22 रन 1 विकेट। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी जो हम बात करेंगे वो मैच हमारी डेमो टीम होगा, फाइनल टीम में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा जिसका अपडेट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टेलीग्राम चैनल पे देने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, आपको इसी वीडियो को चले जाने हैं कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेना है। फिलहाल आइए दिखाता हूं मैं आपको अपना फैंटेसी का टीम। तो मैंने विकेट के पीछे मेंडिस और समर विक्रमा दोनों को लिया है, बैटिंग से अस्लंका प्रथम निशंका मैंने इन दोनों को बैक किया है, ऑलराउंडर से हसरंगा दुनित विला लगे मिराज को मैंने लिए हैं, फिर मैंने बॉलिंग से एम रहमान एल कुमारा को मैंने अभी के लिए लिए, अगर ये नहीं खेलेंगे तो मैं प्रमोद को ले लूंगा, फिर ठिकसाना और दिलशन मधुशंका को मैंने अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। कैप्टनसी को लेकर बात कर लेंगे, कैप्टन तो हमारे हसरंगा ही होंगे, बीसी में दुनित विला लगे, उसके अलावा ठिकसाना मिराज और यहाँ से कुशल मेंडिस, इनमें से किसी एक को देके जा सकता हूं। फिलहाल के लिए मैंने विसी दिए दुनित विला लगे को। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी GL GL जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।